नमस्कार। आज मैं आपको रेनन कुलेसी कुल के आर्थिक महत्वों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आपको मैंने पिछले व्याख्यान में बताया, रेनन कुलेसी कुल में 50 वंश तथा 1900 प्रजातियां संपूर्ण विश्व में पाई जाती है, जो मुख्य रूप से उत्तरी शीतोष्ण यानी नॉर्थ टेम्परेट क्षेत्रों में वितरित है। भारतवर्ष में भी इस कुल के 20 वंश तथा लगभग 154 प्रजातियां पाई जाती हैं। इस कुल के अधिकांश पादप हैं जो सजावटी पौधे होते हैं, लेकिन कुछ पादप हैं वो औषधीय महत्व के भी हैं। तो इस कुल के सजावटी और औषधीय महत्व के पादप कौन कौन से हैं, आज मैं कुछ स्लाइड्स के माध्यम से उन्हें बताने का प्रयास। जैसे अपन सबसे पहले ऑर्नामेंटल प्लांट्स और सजावटी पौधों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इनमें जो महत्वपूर्ण है, रेनन कुलस एशियाटिकस, रेनन कुलस रेपेंस जिसे बटरकप प्लांट भी कहा जाता है, थेलिक्ट्रम एल्पाइनम, मेडो व्यू भी कहलाता है ये, क्लेमेटिस विटा एल्बा और क्लेमेटिस पेनिकुलेटा जिसे वर्जिन्स बॉर कहते हैं। इसी प्रकार एनिमोन सिल्वेस्ट्रिस जो विंड फ्लोर कहलाता है, और डेल्फिनियम कश्मीरी एनम जिसे लार्क स्पर के नाम से जाना जाता है, एकोनिटम नेपेलस और एकोनिटम बाइकलर जिसे एकोनाइट कहते हैं। एकोनिटम नेपेलस एक इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है जिसे एकोनाइट नामक औषधि प्राप्त की जाती है। नाइजेला डेमेसेन ये लव इन एमिस्ट प्लांट कहलाता है, पियोनिया इमोडाई जिसे पियोनी भी कहते हैं। ये जितने भी प्लांट हैं इनका उपयोग बगीचों के लिए सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है। और इस कुल के कुछ पादप हैं जो औषधीय महत्व के हैं। औषधीय महत्व के पादपों में जो सबसे प्रमुख पादप है जिसे कहते हैं एकोनिटम नेपेलस, जिससे एकोनाइट प्राप्त होती है। एकोनाइट इस पौधे की जड़ों से प्राप्त होती है और जिसका उपयोग है वो रूमेटिज्म के उपचार में किया जाता है, और यह नर्व सेडेटिव के रूप में भी प्रयुक्त होता है। रूमेटिज्म अपन गंठिया रोग कह सकते हैं, तो गंठिया रोग में इस पादप की जड़ों से प्राप्त एकोनाइट के द्वारा उपचारित की जा सकती है, गंठिया रोग है वो, और तंत्रिका शामक के रूप में भी ये काम आता है। रेनन कुलस आर्वेंसिस तथा रेनन कुलस मुरिकेटस ये इंटरमिटेंट फीवर यानी रुक रुक के आने वाले ज्वर और बुखार के अंदर ये लाभदायक है। तो इस पौधे का जो उपयोग है वो इंटरमिटेंट फीवर और जो रुक रुक के बुखार आता है उसके उपचार में किया जाता है। डेल्फिनियम ब्रूनोनियनम और डेल्फिनियम इलेटम तथा डेल्फिनियम वेसिटिटम इसका उपयोग हृदय तथा रेस्पिरेटरी रोगों के उपचार में किया जाता है। इसी प्रकार हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस इसकी जड़ों का उपयोग है वो सांप के काटने में एंटीडोट और विषहर के रूप में किया जाता है। नाइजेला सटाइवा जिसे काला जीरा कहते हैं, इसका उपयोग मसालों में तो होता ही होता है, इसके साथ साथ ये बुखार कफ तथा श्वसन संबंधी जो रोग है जिसे दमा कहते हैं आदि के उपचार में भी किया जाता है। तो आज के इस छोटे से व्याख्यान में मैंने आपको जो रेनन कुलेसी कुल है उसके आर्थिक महत्व क्या है ये बताने का प्रयास किया, क्योंकि रेनन कुलेसी कुल के अधिकांश पादप है वो और
ऑर्नामेंटल हैं, सजावटी पौधे हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण औषधीय पौधे भी हैं। तो इस कुल के जो सजावटी और औषधीय महत्व के पौधे हैं, उनके वानस्पतिक नाम के साथ साथ उनके बोलचाल के नाम क्या है, वर्नेकुलर नेम्स क्या क्या है, उनको भी अपने को याद रखना चाहिए। क्योंकि किसी पौधे का वर्नेकुलर नेम देकर पूछ सकते हैं कि इसका बोटनिकल नेम क्या है, या इस पौधे से कौन से रोग का उपचार किया जाता है, आदि आदि कई तरह के प्रश्न इन पौधों के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस व्याख्यान को ध्यान से सुनिएगा और अपने नोट्स भी बनाइएगा, ताकि आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकें। तब तक के लिए, जब तक अपन कक्षा में बैठ के आमने सामने अध्ययन अध्यापन का कार्य संपन्न नहीं करा सके, तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए। जय हिंद।